सर लगभग एक साल हो रहा है बतौर सांसद आपको निर्वाचित हुए, तो इस दौरान क्या एक्सपीरियंस रहा और अपने लोकसभा क्षेत्र को आपने किस तरीके से कंट्रीब्यूट किया है समाज सेवा के क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना एमपीलैड का जो सवाल है, सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपने समय निकाल करके मेरे बीच आए हैं। मैं अपना जो फंड्स है भारत सरकार द्वारा जो दिया जाता है एमपीलैड में माननीय सांसदों को, उसमें मैंने सबसे पहले 1000 सोलर लाइट लगाई है अपने क्षेत्र में, अटल ज्योति योजना जिसे कहा जाता है। उसके बाद मैंने सबसे पहले देखा, प्राथमिकता दिया हूँ विद्यालय शिक्षा पे, जहाँ जहाँ कॉलेज और स्कूलों में बिल्डिंग्स की मकान की अभाव है, कमरे की अभाव है, वहाँ हमने 6-7 जगह कमरे दिए हैं। जैसे कि वो दोनवारी हाट कॉलेज एक है जो हमारे ही क्षेत्र में पड़ता है, उसके बाद हमने कोर्ट में भी एक रूम दिए हैं, जो लॉयर को बैठने में, वकील साहब लोगों को बैठने में दिक्कत होती है, वहाँ भी दिया हूँ। महिला कॉलेज में दिया हूँ। उसके बाद हमने राजनगर कॉलेज है, बहुत खंडहर पड़ा हुआ था कॉलेज, वहाँ में भी रूम दिया हूँ। उसके बाद मैं प्राथमिकता दिया हूँ रोड का, ढलाई रोड जो है, मैंने खुटौना प्रखंड जो मेरा अपना नेटिव प्लेस है, उस खुटौना प्रखंड में हमने आपको 1000 फीट रोड दिया हूँ। मुरारपट्टी गांव पड़ता है खुटौना प्रखंड में, मुरारपट्टी पंचायत भी है, परसाही पूर्वी पंचायत। उसके बाद परसाही में मैं दिया हूँ, छठ मनाते हैं हमारे लोग, हिंदू समाज के लोग, वहाँ घाट जो है नहीं रहता है, दिक्कतें होती है महिलाओं को छठ मनाने में, तो वहाँ भी मैंने घाट देने का काम किया है परसाही गांव में। पिपरावी गांव में अति पिछड़ा का गांव है, महादलित का गांव है, उस गांव में भी मैंने रोड दिया हूँ पक्कीकरण करने के लिए। अल्पसंख्यक को मैं काम दिया हूँ, वो हमारे खुटौना ब्लॉक में जहाँ रोड नहीं थी वहाँ रोड बन गई है। उसके बाद हमने एक खजौली प्रखंड में काम दिए हैं, जयनगर प्रखंड में काम दिए हैं और झंझारपुर प्रखंड में काम दिए हैं। झंझारपुर में एक जगह है जहाँ की हॉस्पिटल था, लेकिन हॉस्पिटल को चारों तरफ जो है बाउंड्री वाल नहीं थी, प्रोटेक्शन वाल में दिया हूँ, वहाँ बनने जा रही है। इसी तरह से बहुत सारे जो हमारे फंड्स आए थे, उस फंड्स में से हमने अभी जो जो हुआ है 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख के नीचे मेरा ये है अधिकार है देने का, 14,90,000 तक मैंने ये योजना समूह को दिया हूँ, अपने सारे कार्यकर्ताओं को। झंझारपुर में दिया हूँ, मधेपुर में दिया हूँ, मेरे 14 प्रखंड पड़ते हैं हमारे संसदीय क्षेत्र में, तो सारे जगह देने का काम किया हूँ। और अभी हमने अपने जिला पदाधिकारी को लिखे हैं कि गर्मी में हमारे बिहार में पानी नीचे चला जाता है स्तर, हर ब्लॉक में अभी आरओ जो होता है, जो ठंडा पानी और शीतल जल और गर्म जल दोनों मिलेंगे, आपूर्ति होगी, वो मैंने अनुशंसा किया है 7 जगह देने के लिए। और अटल ज्योति योजना में फिर अगर सरकार की स्कीम होगी तो देंगे। उसके बाद हमने CSR फंड, जो क्योंकि मैं इंडस्ट्री का कंसल्टेटिंग मेंबर हूँ स्टैंडिंग कमेटी का, स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, तो स्टैंडिंग कमेटी से मैंने जितने भी भेल है, NTPC है, इंडियन ऑयल है, उस सारे जगह में हमने अभी मतलब कि CSR फंड का डिमांड किया है, 5000 चापाकल। उसके बाद 200 हमने ये जो है शौचालय बनाने के लिए मैं अनुशंसा किया है, रिक्वेस्ट किया है भारत सरकार से कि इंडस्ट्री में CSR फंड बहुत सारे जगह में दिया गया है, मैं अपने क्षेत्र के लिए भी अनुरोध किया हूँ, आग्रह किया हूँ डिपार्टमेंट से कि मेरे क्षेत्र में कम से कम चापाकल 5000 मिले, शौचालय बनाने के लिए सुविधा हो, आग्रह किया हूँ, देखिए क्या होता है। धन्यवाद।